मतदान कर्मियों को पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोटिंग दिए जाने संबंधित बैठक जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी के विजेंद्र पांडेन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में जीडीए के वीसी अमित सिंह बंसल, एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव, एडीएम वित्त व राजस्व विधान जायसवाल, एसएसबी एयरफोर्स के अधिकारी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव ड्यूटी में लगाए गए मतदान कर्मियों के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोट देने की सुविधा प्रदान की गई है, जिसमें डिफेंस सहित विभिन्न विभागों के कर्मचारियों को पोस्टल बैलेट से वोट देने के लिए प्रशिक्षित किया गया है, जिससे मतदान कर्मी अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। आपको जो भेजे जाएंगे फॉर्म्स आपके पास जो आप डाउनलोड कर रहे होंगे, जिनका भी तीन का आया होगा तो आपने चेक किया होगा। आई थिंक बाकी ऑफिसर्स के पास में भी कुछ आया है, एसएसबी आपके पास कुछ आएंगी वो हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर आपके पास एक बिग एनवेलप होगा, एक स्मॉल एनवेलप होगा सी, और जो स्मॉल एनवेलप होगा वो होगा 13B, उसका कवर एक प्रिंटेड कवर आपको मिलेगा। और साथ में आपके पास आएगा फॉर्म 13A, दैट इज हमारा डिक्लेरेशन फॉर्म। इससे बता दीजिए बड़े वाला फॉर्म कैसा है, क्या चुकाना है। ये जो बड़ा वाला आपको उसके साथ में एक पोस्टल बैलेट भी आएगा जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो लोग कैंडिडेट्स उम्मीदवार खड़े हैं वो उनके डिटेल। इसमें सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है कि जो आपका पोस्टल बैलेट है उसमें सिर्फ एक जगह जिसको भी आप वोट कास्ट करना चाहते हैं, नेचर ना कहीं कोई और पेन का मार्क या कुछ भी नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो वोट कैंसिल हो जाएगा और इनवैलिड माना जाएगा। शुड बी सील, वो बिना सील किए हुए नहीं रखना। उसके बाद में आपने अपना जो फॉर्म 13 है जो कि आपका डेट ऑफिसर, उसको आप ऐसे ही फोल्ड करके विद फॉर्म जो आपका एनवेलप है 13B वाला, उन दोनों को आप पेमेंट रिसीव हुए थे उसमें दो एनवेलप्स थे, उनके टेम्पलेट्स थे, कवर्स थे, जिसमें कि 3B फॉर्म 13C और एक साल में था आपका पोस्टल बैलेट एंड वन वाज द डिक्लेरेशन। ये सारी चीज़ें थी जो फॉर्म 13B है, स्मॉल एनवेलप के अंदर आपने अपना पोस्टल बैलेट डाला और उसको सील कर जाएगा, उनके स्कैन करके एक एक करके रखेंगे। उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे उनको ओपन करेंगे। तो सबसे पहले हमें मिलेगा फॉर्म 13A जो आपका डिक्लेरेशन फॉर्म है एंड उसके अंदर एक छोटा है, इसमें जो डिटेल्स होते हैं उस सर्विस वोटर के डिटेल्स होते हैं, तो इसीलिए इसको टियर ऑफ करना, टियर ऑफ कर देते हैं तो इसमें स्कैनिंग प्रॉपर नहीं होगी। तो ये जो है इसको स्कैन करा जाएगा, स्कैन करके इसके अंदर से पोस्टल बैलेट निकाल के अलग रख लिया जाएगा। ये प्रक्रिया है, पहले ऊपर का कवर को स्कैन करेंगे, उसके बाद में हमारा जो डेकोरेशन फॉर्म है उसको स्कैन करेंगे, अंदर कार्ड छुपाने सर जो हमारा ये जो 13B मार्क करके जिसके अंदर आपका पोस्टल बैलेट है उसको स्कैन किया जाएगा। दिखे या नहीं वो कहीं दिखाई नहीं देगा, बट वो उसमें रिकॉर्डेड डेटा, लेकिन उसमें वो आपका ये आप ही का डिटेल होगा। किस ईयर में है, फील्ड में है, फ्रंट पे है, क्या है, तो मुझे नहीं आती है। आपका नंबर आता है, ये नंबर काउंटिंग प्रोसेस सुन दिया, आप लोगों का कंसर्न नहीं है, बट
आप लोग जान लेंगे तो बेहतर होगा किस तरीके से आप लोग यहाँ पर काउंटिंग होती है। हम लोग जो काउंटिंग करते हैं, जैसा मैडम ने भी बताया, पहले जो होता है नंबर है उसको हम लोग काउंट करते हैं, ये तो उसकी स्कैनिंग करते हैं, यहाँ पे करेंगे वो सी हो जाएगा, फिर उसके बाद जो डिक्लेरेशन है उसको हम लोग करते हैं, वैलिडेट करते हैं। वैलिडेट अगर किसी टेस्टिंग ऑफिसर का साइन नहीं है तो फिर वो इनवैलिड माना जाएगा, फिर फर्दर उस फॉर्म को ही हम लोग इनर एनवलप 13 बी नहीं खोलेंगे और उसकी 13 ए का भी स्कैनिंग नहीं करेंगे, इनवैलिड मानते हैं वहीं पर हम लोग उसको रिजेक्ट कर देंगे। अलग अलग चीज़ है, 13 बी स्कैन करने के बाद उसका वो एनवलप अभी नहीं खोलेंगे, यस किया हुआ है उसको हम लोग नहीं ओपन करेंगे, वो अलग से हम लोग उसको रखते जाएंगे। इसी तरह सारे सर्विस वोटर्स के जब फॉर्म 13 सी ए बी एम कैप का सिक्वेंस बना हुआ है सी ए बी का, उसको स्कैन कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, तब हम सारे बैलेट पेपर्स को निकाल के उसको सफल कर लेंगे, फिर उसकी स्कैनिंग करेंगे। उसकी भी स्कैनिंग मस्ट है इसलिए क्योंकि कई बार लास्ट ईयर गोरखपुर में बाई इलेक्शन में सर्विस वोटर के लिए फॉर्म के लिए ये पोस्टल बैलेट का यूज हुआ था, करेंगे तो उसके पर्टिकुलर सीरियल नंबर जनरेट हो जाएगा ईच वन का, 13 सी का अलग होगा, 13 ए का अलग होगा, 13 बी का अलग होगा, और जो वोट है जो पोस्टल बैलेट है उसका भी बी वन बी टू करके आएगा, उसको हम लोग पीछे जैसे ये है तो इसके पीछे हम लोग 13 बी आएंगे, तो यहाँ पर हम लोग करके हम लोग सही